चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी है। आज उम्मीदवारों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने टिकट फॉर्मूले पर उम्मीदवारों के चयन और घोषणा को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उदय भान, उनसे बात करते हैं। उम्मीदवारों की खोजबीन और फाइनल ड्राफ्ट तैयार होना है, उससे पहले हलचल बढ़ी हुई है। किस पैमाने पर टिकटों का यहाँ पर समायोजन किया जाएगा, उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा? सीधा पैमाना है जिताऊ और टिकाऊ, और सर्वे में जो आगे है पूरा मेरिट पर डिसाइड होगा, जो मेरिट पर होगा उसको टिकट मिलेगा। और ये जो बैठक चल रही है, बैठक का सिलसिला हमने देखा है, इंडिविजुअल भी मुलाकात हुई है, अलग अलग पैमाने पर कसा जा रहा है उम्मीदवारों को, तो क्या सिंगल नाम भी तय हो गए हैं? और सिंगल नाम अगर तय हुए हैं तो वो तमाम क्या सिटिंग विधायकों को टिकट मिलेगा? सभी तरह से बातचीत हो रही है सभी कैंडिडेट से भी, और जहाँ तक है सभी को ये कोई फैसला नहीं है कि भाई सभी को मिलेगा, लेकिन जहाँ पर जिसकी परफॉर्मेंस ठीक है उसको मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि सिंगल भी नाम होंगे, डबल भी हैं, ट्रिपल भी हैं, जहाँ यूनानिमस फैसला हो जाएगा वो सीसी में जाकर के मोहर लग जाएगी, बाकी जहाँ होगा वहाँ पैनल चला जाएगा, वो सेकंड फेज में हो जाएगा। और अगर देखें तो जैसे कि आप भी इशारा कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, खासतौर से लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर रहा है, क्या उनके टिकट खतरे में है उन विधायकों के जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है लोकसभा चुनाव में? विधानसभा पार्लियामेंट का दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। आप देखो ना, 90 के 90 विधानसभा में कांग्रेस की वोट बढ़ी है, घटी का है? कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ पहले से वोट ज़्यादा ना बढ़ी हो। 28% से 58% पर जहाँ हमारी 28% थी, बीजेपी के 58% थी, 30% आगे थी, दुगने से भी ज़्यादा बीजेपी। अब हम 28 से बढ़ करके 47.6% पर पहुँचे और वो घट करके 40 पर आए। जहाँ हम 30% पीछे थे वहाँ अब उनसे 1.5% आगे हैं। जहाँ हम 10 विधानसभा में आगे थे अब 40 में हैं, और वो 79 में थे आगे थे, वो जब 31 में रहेंगे अब वो 44 में है, तो कितने पर रहेंगे अब आप अंदाजे लगा सकते हैं। सीसी की बैठक में सभी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा या फिर पहली लिस्ट में ही नाम आएंगे, जो होल्ड कर रखे जाएंगे कुछ नाम? क्या सीसी की बैठक तय हो गई है, कब बुलाई जा रही है? अभी आप इंतजार करो, पता लग जाएगा। सीसी की अभी तो स्क्रीनिंग चल रही है, डिस्कशन चल रही है, जब यहाँ से फाइनल हो जाएगा, जब सीसी में भेजेंगे वहाँ टप्पा लगेगा। दूसरा एक चर्चित बयान आया था प्रभारी का, और उन्होंने पहले बयान दिया था सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं, फिर उन्होंने कहा जो चुनाव नहीं लड़ेंगे वो भी दावेदार हैं सीएम पद के, इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? ये प्रभारी जी से पता करो। क्या सामूहिक नेतृत्व में तय हो गया है कि सामूहिक नेतृत्व में फेस नहीं होगा कोई सीएम का, इसलिए ये बयान दिया गया? नहीं, किस कंटेस्ट में बयान दिया ये वही जाने, लेकिन ऐसा कोई फैसला कोई नहीं पार्टी। तो सीएम फेस को लेकर विपक्ष की जो खास तौर से वहाँ पर रणनीति तौर पर देखें तो रही है कि सीएम फेस देना चाहिए, ये मंशा रही है, अगर ये नहीं होता है तो क्या इसका नुकसान हो सकता है? कांग्रेस में सीधा है, विधायक दल के चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की मीटिंग होगी, कांग्रेस नेतृत्व से ऑब्जर्वर आएगा, तब विधायक और कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा किसको सीएम बनाना है। बीजेपी की टिकटों को लेकर भी हम देख रहे हैं एक घमासान देख रही हैं, और फिलहाल होल्ड पर हैं, लेकिन 55 नामों पर सहमति बन गई है, खबर आ रही है। ये आपको पता होगा, हमें तो पता ही नहीं कितनी पर सहमति हुई, अभी तक लिस्ट तो सामने आई नहीं है। तो क्या अब बीजेपी के उम्मीदवारों का इंतजार करेगी कांग्रेस रणनीतिक तौर पर, या पहले अपने उम्मीदवार जैसे तय होते हैं उनका ऐलान कर देगी? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे अपने प्रक्रिया, उनके अपनी प्रक्रिया, हमें उनसे क्या लेना देना, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और अगर देखें तो ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला उदयपुर चिंतन शिविर में जो तय हुआ था उसके आधार पर भी टिकट दिए जाएं, इसीलिए उस पर भी फोकस है, क्या ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी रहेगा टिकट वितरण में? सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके मेरिट पर जो जीता होगा उसको टिकट देंगे। गठबंधन तो किसी के साथ नहीं होगा ना, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, अकेले ही अपने सारे उम्मीदवार उतारेंगे? कांग्रेस पूरी तरह से 90 के 90 सीटों पर लड़ने में सक्षम है।
धन्यवाद बात करने के लिए। और उदयभान, जो उम्मीदवारों का चयन चल रहा है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, निगाहें सीसी की बैठक पर हैं और सितंबर के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान हो सकता है, ऐसे में कई बड़े बयान दे रही हैं और बयान के मायने भी कि कांग्रेस तेजी के साथ वहां पर जो उम्मीदवारों का चयन है वो कर लेगी और बीजेपी निशाने पर है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चुनावी दंगल बनकर उभर रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।